नमस्कार, एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीरी। एक साल से ज्यादा वक्त बीत चुका लेकिन सरकार ने तीनों कृषि कानून वापस भी ले लिए हैं, पर किसान संगठन अब भी आंदोलन वापस लेने को तैयार नहीं है। आज एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई। बैठक का नतीजा तो सामने नहीं आया है लेकिन किसान नेताओं के जिस तरह से बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं उससे जरूर सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। सस्पेंस ये है कि आंदोलन का आखिर होगा क्या, आगे आंदोलन खत्म होगा या फिर नहीं, और अगर खत्म हुआ तो आखिर कब होगा। हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान इस चर्चा में शामिल होने के लिए जुड़ रहे हैं। एक एक करके मैं उनसे आपका परिचय कराऊंगी लेकिन सबसे पहले आप आज की बयानबाजी सुनिए। जारी है घमासान, आंदोलन पर अड़े किसान। बीमारी कुछ ना पड़ो, कोई समापन नहीं हो रहा। एमएसपी को लेकर के सरकार को समय देंगे? अरे सरकार बात तो करे, पहले बात कर नहीं रही। जब तक समाधान नहीं होगा जब तक जारी रहेगा। एमएसपी के नाम अब छिड़ा है संग्राम। एसकेएम पूरे भारत के किसानों का है और पूरे भारत के किसानों के कुछ मुद्दे हमने उठाए थे, तो वो मुद्दे जब तक एड्रेस नहीं होंगे तो हमारे लिए मुश्किल है ये कहना कि हम बिक्री हो गई है कंप्लीट। एमएसपी जारी थी, आने वाले कल में भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने एमएसपी पर विचार करने के लिए और प्रभावी बनाने के लिए, पारदर्शी बनाने के लिए कमेटी बना दी है। वो कमेटी आगे विचार करेगी। आंदोलन जारी, राजनीति भी जारी। एनडीए भाजपा सरकार जो बहुत ही अहंकारी हुई थी उसके घुटने लगवा दिए। जो दो मुख्य मुद्दे, एक न्यूनतम समर्थन मूल्य, और उनका कहना था कि अगर जब तक ये कानून नहीं वापस होगा तब तक हम वापस नहीं जाएंगे, और कानून वापस हो गया बिना शर्त। प्रधानमंत्री ने माफी मांगते हुए वापस किया, तो पहले उनको वापस जाना चाहिए। ये सब लोकल विषय है। किसान आंदोलन का अंत क्या है? तो किसान आंदोलन का अंत क्या होगा, आखिर कब तक ये आंदोलन इसी तरीके से जारी रहेगा? हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए, उनसे मैं परिचय आपका एक एक करके करा देती हूँ। किसान शक्ति संघ के अध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह को आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही सत्यहिंदी.com के संपादक आशुतोष इस वक्त हमारे साथ हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहला सवाल पुष्पेंद्र जी मेरा आपसे है, आज की एक और बैठक हमने देखी, आज बैठक हुई लेकिन इस बैठक में भी आंदोलन को लेकर कुछ ठोस बात सामने निकलकर नहीं आ पाई और सस्पेंस तो अभी भी बना हुआ है कि आखिर कब तक ये आंदोलन ऐसे खिंचेगा। देखिए, इस बारे में मीटिंग में भी स्पष्ट रूप से कह दिया गया है, और जब कानून वापसी हुए थे उसके बाद एक बहुत ही विस्तृत पत्र एसकेएम की तरफ से, संयुक्त मोर्चे की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को दिया गया था, जिसमें छह मूल मांगे इसमें थी कि भाई कानून आपने वापसी ले लिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, लेकिन एमएसपी की लीगल गारंटी जो वास्तविक मांग थी उसको आपने कोई हल करने की बात नहीं कही है। केवल प्रधानमंत्री जी ने उसमें यह कहा था कि एमएसपी की व्यवस्था को जो है सुदृढ़ और पारदर्शी और जो है प्रभावशाली बनाने के लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं। वास्तविकता तो यह है कि इनको कहना चाहिए था कि हम एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए कमेटी बना रहे हैं। अब उसके अलावा जो किसानों पे मुकदमे हो गए थे आंदोलन के दौरान, वो वापसी का मुद्दा है। किसानों के जो शहीद किसान भाई हुए हमारे, उनके लगभग 700 शहीद हुए, उनको मुआवजा देने का, सहायता राशि देने का मुद्दा है। और जिस व्यक्ति इनके जीप के तले जो है किसान लखीमपुर खीरी घटना में कुचले गए थे, उसके उनके साथ न्याय करते उसको बर्खास्त करके गिरफ्तार करने का मुद्दा है। तो ये तमाम मुद्दे लिस्ट आउट किए गए थे, और पराली और बिजली वाला मुद्दा था। अब ये देखना है कि किस तरीके से ये आगे जाकर के मुद्दों को हल करने के लिए जो है सरकार जा रही है। सरकार चाहती तो अभी भी 2 हफ्ते बीत गए हैं घोषणा हुए, तो वार्ता कर लेती। ये वार्ता से क्यों बचते, वार्ता क्यों नहीं शुरू करते, ये एक बड़ा प्रश्न है। अब आशा है आगे जाकर के इन मुद्दों का हल शीघ्र होगा, वरना जो है जिस तरीके के कार्यक्रम चल रहे हैं वो चलते रहेंगे। जी ठीक है। विशाल मिश्रा, डॉक्टर विशाल मिश्रा भी हमारे साथ हैं। मतलब ये बातचीत से बच रही है सरकार, और देखिए पुष्पेंद्र जी ने तो पूरी लिस्ट थमा दी है, ये लिस्ट बहुत लंबी है। देखिए सिरीन जी,
जहां तक ये प्रश्न है कि क्या सरकार बातचीत से बच रही है, इसके पहले भी हम आप सभी लोग देख चुके हैं कि सरकार 9-9, 10-10 राउंड की वार्ता कर चुकी है, लेकिन तब केवल टेबल पर इस बात को लेकर हर बात में डेडलॉक होता था कि कानून वापस लीजिए बस एक शर्त पर, और कोई सी बात पर ये लोग बात करने को तैयार नहीं होते थे। अब आप ये बताइए, कानून तो वापस हो गया, तो अगर समझौता होता है तो इस बात की भी पूरी संभावना होती है कि दूसरी तरफ से भी पहल होना चाहिए। एक तरफ तो आपकी जो पहली मांग थी कि ये किसान का ये जो कानून है इनको आप वापस लो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बड़े सम्मान पूर्वक के साथ इस बात को कहा कि हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए, हम वापस लेते हैं। संसदीय जिस दिन संसद बैठती है पहले दिन कानून वापस होने की विधायी प्रक्रिया होती है। अब ये नए नए मांग के साथ आना, ये तो कहीं से भी शोभनीय नहीं है। ये तो मतलब दिखाता है मांगे तो पहले भी थी ना डॉक्टर, ये चाहती ही नहीं है कि हल एमएसपी को लेकर एमएसपी का जिक्र भी लगातार प्रधानमंत्री जी ने अपने संबोधन में ये बात कह दिया। सिरीन जी नहीं, पहले आप याद करिए मांग, नहीं सिरीन जी पहली जब सबसे पहले आंदोलन इसी बात पर शुरू हुआ था कि कानून वापस लिए जाए, बाकी सारी मांगे भी बाद में ऐड हुई थी सिरीन जी, उसी तरीके से जैसे अब नए नए मांगे ऐड हो रही हैं। देखिए डेडलॉक अगर बनाना है तो आप अपनी तरफ से वापस कर लिया सरकार ने, अब आप तो सुनने को तैयार ही नहीं है, आप भी बड़ा दिल दिखाइए। उसका जिक्र कर रहे हैं, वही पुष्पेन जी भी बोल रहे हैं कि बातचीत वार्ता का रास्ता क्यों बंद कर दिया, वो खोलिए ना। ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास, एक सेकंड पुष्पेन जी, आती हूँ मैं आपके पास, उसके बाद पहले मैं आशुतोष जी से एक रिएक्शन ले लूं, फिर आप ही के पास आऊंगी। आशुतोष जी, क्या लग रहा है आपको कि सस्पेंस अब तो बढ़ता जा रहा है, मतलब सरकार ने जैसे ही ये ऐलान किया था कि हम वापस ले रहे हैं कानून, लग रहा था सबको कि शायद अब चंद दिनों का है ये आंदोलन, पर अभी तो लग रहा है कि पता नहीं आगे कितना लंबा खिंचेगा, एक और तारीख बातचीत को लेकर, बैठक को लेकर। देखिए सिरीन जी, मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री को गलत तरीके की सलाहें दी जा रही हैं और उनसे इसीलिए इस आंदोलन का कोई रास्ता निकल नहीं पा रहा है। जब भी कोई सरकार किसी आंदोलन की मांगों को मानती है तो उस निष्कर्ष पर पहुंचने के पहले सरकार और जो आंदोलनकारी होते हैं उनके बीच में बाकायदा वार्ता होती, बातचीत होती है। आखिरी बातचीत जो है वो 22 जनवरी को हुई थी और उसके बाद डेडलॉक हो गया था और उसके बाद ये लगने लगा था कि अब शायद सरकार उनके बीच में किसी तरीके की कोई बातचीत नहीं होगी, सरकार इनकी बातों को नहीं मानेगी। तकरीबन 8-9 महीने के बाद अचानक प्रधानमंत्री सुबह उठते हैं और उसके बाद वो देश के नाम एक संबोधन करते हैं और कहते हैं तीनों कानूनों को वापस ले लेते हैं। इतना बड़ा फैसला अगर सरकार को करना था, प्रधानमंत्री जी को करना था, तो कम से कम इसके पहले 2 या 3 राउंड की बातचीत किसानों के साथ करते, वहां बार्गेनिंग होती, नेगोशिएशंस होते, गिव एंड टेक होता, और तब अगर सरकार कहती कि हम आपके इन तीनों कानूनों को वापस ले रहे हैं, इसके बदले में आप लोगों को अपनी ये मांगे छोड़नी पड़ेंगी और आप लोगों को जो है अपना आंदोलन खत्म करना पड़ता। अगर सरकार इस पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करती तब तो सरकार को आज ये आंदोलन खत्म हो जाता, लेकिन अगर आप पोजीशन ऑफ वीकनेस से बात कर रहे हैं और निगोशिएशंस में, डिप्लोमेसी में हमेशा पोजीशन ऑफ वीकनेस से जब आप बात करेंगे तो दिक्कत होगी। आज की तारीख में आंदोलन को स्पष्ट लग गया है, हमने देश के प्रधानमंत्री को झुका लिया, अब बाकी के मांगे भी अगर प्रधानमंत्री नहीं मानेंगे तो दिक्कत पैदा होगी। लेकिन इसमें से एक भी मांग पुरानी नहीं है। जो 3 नई मांगे इसमें जुड़ी हुई हैं, खासतौर पर जो अजय मिश्रा के इस्तीफे की बात है, वो बिल्कुल अविश्वसनीय और ऐतिहासिक मामला है। वहां पर किसानों का इस मांगों को मानना बिल्कुल, पराली का मसला, बिजली का मसला और एमएसपी का मसला, ये सारी पुरानी मांगे। जो लोग ये कह रहे हैं नई मांगे हैं, दरअसल या तो उनको किसान के आंदोलन की जानकारी नहीं है या फिर वो चीजों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है पुष्पेन जी, आशुतोष जो कह रहे हैं कि ये सारी बातों को अगर रखा जाता किसान संगठनों के सामने और उसके बाद अगर कानून वापसी की बात की जाती तो शायद आज हम देख रहे होते कि किसान अपने घरों को लौट गए होते। बिल्कुल, देखिए आशुतोष जी बहुत ही सम्मानित पत्रकार हैं और अन्ना आंदोलन के अंदर के जो भाग थे वो अंदर तक उसको जानते थे और इन्होंने जो है बड़ा संघर्ष किया उसमें और इनको सारी चीज का पता है। जो आंदोलनकारी है उनसे आप वार्ता तो करेंगे ना, उनको बताएंगे ना भाई ये मांगे हैं आपकी, ये इस तरीके से मांगी जाएंगी, इस तरीके से हम कमेटी बनाएंगे। अब ये कह रहे नई मांगे, मैं साबित कर देता हूँ, पिछले साल ही अनेकों लेख स्वयं मैंने लिखे थे, आवेदन दिए थे मंत्रीगणों से, जब बैठक हुई थी उनको बताया था और किसान ये मोर्चे ने भी बार बार इस बात को कहा है,
ये एक लेख है जिसकी हेडलाइन यदि आप दिखाएं, किसान चाहते हैं एमएसपी की वैधानिक गारंटी, है पिछले साल का लेख है, इस तरह के अनेक लेख हैं। और जिस तरह आशुतोष जी बता रहे थे, आशुतोष जी सत्यहिंदी.com के फाउंडर हैं, इनके जो है वेबसाइट पर भी मैंने उस वक्त लेख लिखा था। तो ये पहले की मांग है, ये कह देना नई मांग है ये उचित नहीं है। तो ये मूल मांग ही ये थी कि हमें एमएसपी की लीगल गारंटी दी जाए, जो हमारे ऊपर थोप दिए गए थे कानून वो वापसी ले लिया, हमने हाथ जोड़ के धन्यवाद दे दिया, इस मांग को मान लेते हैं। और आंदोलन के दौरान जो घटनाएं हुई हैं, आपराधिक घटनाएं, कुचलने की घटनाएं, उसमें तो हम न्याय चाहेंगे ना भाई, उसमें हमारी क्या गलती है? और जो किसान भाई सही हुए हैं, क्योंकि क्योंकि लगातार ये कहा गया कि कानून वापसी से कम पर कुछ भी मानेंगे नहीं, तो अब क्योंकि कानून वापस हो गया है, आप बातचीत की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, तो अब बाकी बातों को बातचीत के जरिए सुलझा लिया जाए, लेकिन जो किसान बैठे हुए हैं वो अपने घरों को लौट जाए। जी, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। आर्य विशाल आपके पास ही आते हैं। इसमें मैं ये कहना चाहता हूँ, जब यहाँ बैठे हुए हैं, जब यहाँ शिरीन जी बैठे हुए हैं, तब तो वार्ता कर नहीं रही सरकार, जब चले जाएंगे जब कौन वार्ता करेगा भाई? एक साल लगभग होने जा रहा है जब वार्ता शुरू नहीं कर रही है, बैठे हुए जब सर पे, तब वार्ता नहीं हो रही है, कैसे विश्वास करने के जाने के बाद वार्ता होगी? वार्ता शुरू कर देते, कमेटी बनाने की बात कह देते कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी के लिए कमेटी हम बना रहे हैं, ये प्रभावशाली क्या होता है, पारदर्शी बनाने के लिए कर रहे हैं, इसका क्या मतलब है? कर देते तो वार्ता शुरू हो जाती, उसके बाद निवेदन किया जा सकता था। ठीक है डॉक्टर विशाल, देखिए यही बात, इसी का मैं जिक्र भी कर रही थी कि भरोसा ही नहीं रहा सरकार पर, भरोसा कर नहीं पा रहे हैं किसान। सिरीन जी, आप अपने आर्काइव में जाकर अगर वो फुटेज निकालें, जब बातचीत होती थी तो उस टेबल टास्क, उस टेबल ऑफ डिस्कशन पर केवल तख्ती के साथ एक ही मांग होती थी कि कानून वापस लिए जाएं। तो देखिए, जो पहली डिमांड थी आपकी कि कानून वापस लिए जाएं, जिसको बार बार कहा जाता था कि काले कानून है, इससे कम पर बात नहीं होगी। अब आप, मैं ये पूछना चाहता हूं अपने सम्मानित किसान नेता जी से कि माननीय सरकार ने आपकी बात मानी, रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी का मुद्दा आज का तो है नहीं, कितना पुराना मुद्दा है ये आप भी अच्छे से जानते हैं। सरकार ने ये कहा कि उसको त्वरित पारदर्शी बनाने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जिसमें सभी स्टेक होल्डर्स होंगे, कमेटी बनेगी, डिस्कशन करेगी, तब तो सोल्यूशन निकलेगा, बिना कमेटी बने सोल्यूशन कैसे निकलेगा? माननीय आप बताइए, अब आप आज जो नई नई मांगे ऐड हो रही है, पराली पर भी तो सरकार ने कहा ना, किसान मंत्री जी का बयान आया ना कृषि मंत्री जी का कि नहीं हम उस पर कोई जो है मुकदमा नहीं होगा। तो देखिए ये, और अभी हमारे आशुतोष जी कह रहे थे कि सरकार को झुका दिया है, प्रधानमंत्री जी झुक गए। देखिए ये झुकाना और इस तरीके की बातें, यही तो दिखाता है, यही डेमोक्रेसी किसी को झुका कर नहीं चलती है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन ये जो सोच होती है कि हमने सामने वाले को झुका दिया, सामने वाले को हरा दिया, ये सोच ही कहीं ना कहीं सिरीन जी डेडलॉक अभी भी मना के रखी हुई है। मैं तो अपने किसान नेता से कहता हूं कि माननीय आप जाइए, सरकार कमेटी बना रही है, बैठिए, डिस्कशन करिए, आपकी बातें पुरजोर तरीके से रखिए, नहीं माना जाता है तो आंदोलन का तो रास्ता खुला ही है, लेकिन कम से कम आप भी तो बड़ा दिल दिखाइए कि यस नाउ यू हैव टेकन वन स्टेप, आई हैव आल्सो टेकन वन स्टेप मोर, लेट अस सिट एंड डिस्कस। ये केवल तख्ती, तब भी केवल तख्ती दिखाई जाती थी, दो तीन बातें हैं। पहली बात तो यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने किसानों के साथ बातचीत की, और करीब 11 राउंड की बातचीत हुई है। आखिरी बातचीत 22 जनवरी को हुई, उसके बाद कोई बातचीत नहीं हुई। और आपको याद होगा कि जनवरी के पहले या दूसरे हफ्ते की बात है, जब किसानों से वार्ता के बाद यह संदेश आया था कि सरकार ने 4 में से 2 मांगे मान ली है, यानी पराली की मांग और बिजली की मांग, बिजली बिल की मांग जी। और इन दोनों के बाद एक संदेश आया था सरकार की तरफ, देखिए हमने आपकी 50% मांगे मान ली, लेकिन फिर वो डेडलॉक बना रह गया और डेडलॉक टूटा नहीं। और किसान अगर आंदोलन के रास्ते पर नहीं चले होते तो कम से कम ये तीनों कानून वापस नहीं होते। तो सरकार, तो किसानों को ये लगता है कि भाई जो बात हम वार्ता के जरिए सरकार से मनवाना चाहते थे वो नहीं मान रही थी, वो माने इसलिए क्योंकि हम आंदोलन पे गए और एक साल तक हम रहे, हमारे 700 से ज्यादा किसानों की इसमें जाने गई हैं, शहादत हुई है, तो इसलिए किसान को इस को जो है सरकार के साथ बातचीत में तकलीफ है। लेकिन आज भी किसान ये कह रहे हैं कि आगे की जो बातचीत, आगे के जो मुद्दे हैं उन पर हम आपसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं।
लोकतंत्र के अंदर बिना विमर्श के बिना डायलॉग के काम नहीं चल सकता। सरकार की तरफ से 22 जनवरी के बाद से किसी तरीके का कोई वार्ता कोई डायलॉग नहीं है। और अगर कोई सरकार आंदोलनकारियों से डायलॉग और वार्ता करने से पीछे हटती है, वार्ता नहीं करती है, तो उसको कैसे उसके तरीके के लोकतांत्रिक माना जा सकता है? मैं तो उसको बिल्कुल लोकतांत्रिक नहीं मानता हूं। ये बात मैं जरूर सरकार के पक्ष में कहना चाहता हूं कि सरकार ने 11 राउंड की बातचीत की थी, लेकिन एक बार जो बातचीत टूटी है उसके बाद से ऐसी बातचीत नहीं आई है। जो बात मैं कह रहा था, मेरे ख्याल से शायद प्रोफेसर साहब ने मेरी बात को ध्यान से नहीं सुना। मेरा कहना यह था कि अगर सरकार बातचीत करके इन तीनों कानूनों को वापस लेती तो सरकार की बार्गेनिंग पावर स्ट्रांग होती। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री जी के जो सलाहकार हैं उन्होंने प्रधानमंत्री जी को फंसा दिया है और अब इससे निकलने का रास्ता नहीं निकल रहा। ठीक है, मैं पुष्पेंद्र जी के पास जाऊंगी, लेकिन डॉक्टर विशाल यहाँ पे इस पर आप कमेंट दीजिएगा जिसका जिक्र यहाँ पर आशुतोष भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ये तो मान लिया कि हम किसानों को समझा नहीं पाए, लेकिन हम फैसला किस समय पर और किस बातचीत के आधार पर ले रहे हैं ये भी शायद समझने में प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं विफल रहे, सरकार विफल रही। नहीं देखिए सीरीन जी, इसमें सरकार की विफलता कतई नहीं है। आप ये बताइए, ये बात स्पष्ट रूप से प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम कुछ लोगों को नहीं समझा पाए। ठीक है, नहीं समझा पाए तो जो घर का मुखिया होता है उसकी क्या जिम्मेदारी होती है कि हम चीजों को कन्वे करने की कोशिश करें, उसके बाद भी अगर कुछ लोग नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो ठीक है भाई, इसको विड्रॉ कर लेते हैं। उन्होंने बड़े ही विनम्रता के साथ अपनी भावनाओं को रखते हुए वापस कर लिया। अब ये बताइए, इससे बड़ी विनम्रता क्या हो सकती है? एक प्रधान सेवक एक खुले मंच पर खड़े होकर इस प्रकार से विनम्रता पूर्वक अपनी बात कहकर और आपकी ही मांग को मान रहे हैं। अब इसको जो है मतलब एक बड़ा एग्जांपल सेटअप किया उन्होंने। दूसरी बात, आशुतोष जी कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक तरीके में विमर्श होता है, बिल्कुल होता है आशुतोष जी, तभी तो सरकार और किसानों के बीच बातचीत चलती रही, 9 राउंड 10 राउंड की बातचीत चलती रही। लेकिन आप भी जानते हैं लोकतंत्र में विमर्श होता है, लेकिन डिस्कशन के दौरान आप बार बार गिव एंड टेक कह रहे हैं। सरकार ने तो गिव दिया ना, लेकिन यहाँ पर अभी भी हमारे किसान नेता लेने को तैयार नहीं है। आप बताइए, जब डॉक्टर विशाल किसान वही कह रहे हैं ना कि ठीक है, आपकी तरफ से भी क्या अगर 11 दौर की बातचीत में कोई समाधान नहीं निकला तो एक इतना लंबा गैप और उसके बाद किसानों से कोई बात नहीं हो रही, अचानक से आकर इतना बड़ा फैसला ले लिया गया। लेकिन किसानों को तो ये लग रहा है ना कि एक बात आपने मानी लेकिन बाकी मांगों पर तो कोई बात ही नहीं कर रहा है, वो आखिर बात कैसे होगी? ये विश्वास नहीं बना पाई सरकार। ठीक है, देखिए संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक हुई आज और इस बैठक के बाद अब एक अगली तारीख भी मिल गई है, लेकिन इसी बीच योगेंद्र यादव ने एबीपी न्यूज से बात की है, एक बार सुन लेते हैं उन्होंने कहा क्या है, फिर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। योगेंद्र यादव मेरे साथ है। सरकार साल भर कहती रही आप लोगों से कि छोटी कमेटी बना लीजिए, नहीं बनी। अब सरकार से बातचीत करने के लिए 5 लोगों की कमेटी बनाई गई है, क्या है इसके पीछे की रणनीति और यह कमेटी क्या बात करेगी सरकार? 21 तारीख को हमने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखी थी कहते हुए कि ये 6 बकाया मुद्दे हैं जिस पर हमें जवाब चाहिए। अब तक हमें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है, कई अनौपचारिक बातें हुई हैं, कोई औपचारिक जवाब नहीं मिला है। इसलिए हमने कहा कि हम एक छोटी कमेटी बनाते हैं जो कि सरकार से बातचीत करके जवाब लाएगी, समाधान की कोशिश करेगी, चूंकि हम समाधान चाहते हैं। 3 दिन के बीच में यह कमेटी सरकार से बात करने जाएगी या सरकार की तरफ से बातचीत का न्योता है पहले से? कब होगी पहली बातचीत? सरकार पे निर्भर करता है, अगर सरकार बात करना चाहती है तो कम से कम अब ये बहाना नहीं है कि हम किससे बात करें, स्पष्ट है। और अनौपचारिक रूप से बातचीत हुई है, मैं चाहता हूं कि उस बातचीत को अब हम औपचारिक रूप से करें, इसलिए मोर्चे ने ये बनाया है। और ये तो औपचारिकताएं हैं, वो वहाँ जाएं ये वहाँ जाएं, हमारे लिए ये सब ईगो के मामले नहीं हैं। सवाल केवल ये है कि ये जो बचे हुए मुद्दे हैं जिनमें सबसे बड़ा किसानों के खिलाफ केसेस हैं, हजारों मुकदमे हैं, सिर्फ हरियाणा में 38,000 मुकदमे हैं, कम से कम 10 राज्यों में किसानों के विरुद्ध मुकदमे हुए हैं, रेलवे और केंद्र में जो हुए वो अलग हैं, वो हमारे लिए सबसे पहला मुद्दा है जिस पे हम बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। शहीदों के परिवारों को मुआवजा देने का मुद्दा है और MSP का जो इतना बड़ा मुद्दा था उस पर तो अभी तक हमें पता ही नहीं है कि सरकार क्या करने जा रही है। हमसे कहते हैं कमेटी में नाम दे दो, हम कहते हैं किस चीज़ की कमेटी, ये तो हमें पता ही नहीं है अभी तक। तो इन सब मुद्दों पर स्पष्टता के लिए ये कमेटी बातचीत करेगी और मुझे उम्मीद है अगले 2-3 दिन के अंदर कुछ स्पष्ट उत्तर लेके आएगी ताकि हम एक निर्णायक फैसला ले सकें।
तो इससे संयुक्त किसान मोर्चा के नेता को आप सुन रहे थे योगेंद्र यादव, जो बता रहे थे कि देखिए बातचीत के लिए हमने कमेटी बना दी है जो सरकार से अब आगे की क्या रणनीति होगी उसको लेकर बातचीत करेगी। और खबर ये भी आ रही थी, वो खुद ही जानकारी दे रहे थे कि फोन पर किसानों से बात हो रही है। मैं पुष्पेन जी आपसे ही समझना चाहूंगी ये किस्त, अब क्योंकि अब देखिए चीजें और परिस्थितियां बिल्कुल अलग है, कानून वापस हो चुके हैं, तो अब किस आधार पर ये बातचीत सरकार की तरफ से की जाएगी, आप लोगों की तरफ से सरकार से? जैसी मैंने बताया कि 6 मांगे हैं जो वास्तव में पॉजिटिव मांगे हैं, जो हमें मिलना चाहिए था वो आपने नहीं दिया, जो नहीं चाहिए था वो थोपा था, उसको आपने ये हटा लिया, फिर भी हम धन्यवाद दे रहे हैं। हम जो विशाल जी कह रहे हैं कि हार जीत की हमने कोई बात नहीं कही है, हार हो गई है, जीत हो गई है, किसी घुटने टिकवाने हम चाह रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो वार्ताएं हुई थी 11 दौर की, उस दौरान भी MSP की लीगल गारंटी की मांग जब भी उठती थी, सरकार खुद कहती थी कि भाई पहले कानूनों पे बात होगी, उसके बाद जो है हम इस पे बात करेंगे। ऐसा नहीं है, ये शुरू से मांग जुड़ी हुई थी और आज भी जुड़ी हुई है, आगे भी जुड़ी रहेगी। आप एक वार्ता शुरू करिए, एक तरफा आपने कह दिया, पता नहीं किसने किससे कहा कि साहब कमेटी में 5 आदमी दे दीजिए। अरे भाई कोई ऑफिशियल कम्युनिकेशन भी तो आप करेंगे ना किसी के साथ, तो हमने भी 5 आदमियों के नाम दे दिए, लेकिन वो ये पता करने के लिए दिए कि साहब आप किस विषय में बात करना चाह रहे हैं, कमेटी किस आधार पे होगी, उसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या होंगे, क्या वो करने जा रही है, अन्य मांगों का क्या होगा। इसके लिए हम वार्ता से पीछे नहीं हट रहे, हमने 5 नाम दे दिए हैं, अब उनको निमंत्रण दे करके बुलाया जाए, समय स्थान नियत किया जाए और तारीख दे करके बातचीत इसमें शुरू की जाए। जी ठीक है, तो यानी देखिए एक बार फिर से कोशिश ये हो रही है कि बातचीत जो रुक गई थी, एक लंबे समय तक किसानों और सरकार के बीच बातचीत नहीं हुई, उसको फिर से शुरू किया जा सके ताकि इस आंदोलन को खत्म किया जा सके। आप सभी मेरे साथ रहिए, लेकिन देखिए किसान आंदोलन के बड़े चेहरे हैं राकेश टिकैत, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने आज जो सरकार से बातचीत के लिए 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई है उसमें राकेश टिकैत का नाम शामिल नहीं है। इस पर क्या कहा है राकेश टिकैत ने, एबीपी न्यूज ने जब ये सवाल उनसे पूछा तो उन्होंने क्या कहा है, सुन लेते हैं एक बार। मेरे साथ किसान नेता राकेश टिकैत हैं। टिकैत साहब, 5 लोगों की जो कमेटी बनाई है, इनको क्या अधिकार दिए हैं आप लोगों ने और सरकार से किन मुद्दों पर ये लोग बातचीत करेंगे? सारे मुद्दों पर बातचीत कर लेंगे और फिर जो भी इनकी बातचीत होगी वो हमको 7 तारीख में बता देंगे। कमेटी बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? आप बार बार कहते थे सरकार को बातचीत करनी चाहिए, तो सरकार जैसे पहले बात करती थी वैसे फिर बात क्यों नहीं कर पाई? कर तो रही है बात तो करेगी सरकार, ही नहीं चाहिए तो करेगी बात। इन मुद्दों पर मैं वही पूछ रहा हूँ, सब इशू पर बात करेगी। जो कमेटी की जरूरत क्यों पड़ी मैं यही पूछ रहा हूँ कि सरकार की तरफ से कहा गया था आप लोगों से? सरकार ने भी बड़ा काम था, वो एक कर दिया तो हड़के मामले रहेंगे, तो हमने भी हड़की कमेटी बना दी। हाँ, दो दिनों में ये कमेटी बात कर लेगी ताकि 7 तारीख की बैठक में करेगी, बता देंगे 7 तारीख में हम क्या कहीं जा रहे हैं इनसे। हमारा कुंटागढ़ रहा, हम एक अलबेट्टा जो हमारे लपेटे में आ जा उसे एक अलबेट्टा और दे दें, आज जाते वो पत्रकार है, एक अलबेट्टा और दे दे, हम जेवड़ा बांध गए और एक अलबेट्टा और दे दे, सरकार नेड़े आएगी उसे और लपेटा दे दो, मुआवजा मुकदमा MSP कुछ साफ जो भी मामले हैं यही बात करेगी, इन्हीं को उतराज कर दिया। इस कमेटी से समाधान निकलेगा आपको उम्मीद है? निकलेगा। आखिरी बात, टिकैत साहब आप बार बार कहते हैं कि MSP पर कानून बनने के बाद धरना खत्म होगा, अब कमेटी जो कमेटी बने कमेटी को दे दिया, अब कमेटी के ऊपर कमेंट्स भी करने चाहिए, कोर्ट में जो फैसला होगा, अगर कोर्ट में फैसला आने से पहले उसे कह दे तो ये नहीं कहना चाहिए ना, कमेटी बना दी जो फैसला जाएगी कर दे, समाधान जल्द निकले, बिल्कुल निकला। आपके चाहने वाले ये जानना चाहेंगे कि कमेटी में राकेश टिकैत क्यों नहीं है? अरे हमें कौन कमेटी में रखे, हम तो बारी ठीक है, मोर्चा कौन समझता? आप सबसे पॉपुलर लीडरों में से एक है, आप कमेटी में? हम तो बाहर ही है कमेटी से, हम तो बाहर ही है कमेटी से, तय करेगी संयुक्त किसान मोर्चा। हाँ मानने का और मुआवजे के लिए करके और मुकदमा सब कुछ यही है, सब सहमति है। अरे क्या पता नहीं मान देगी, हम क्या कहीं जा रहे हैं, जारी रहेगा। तो टिकैत साहब अपने अंदाज में कि सरकार से बात नहीं बनी तो धरना जारी रहेगा, लेकिन उम्मीद भी है कि बात बन जाएगी। बड़ी बात यह कि राकेश टिकैत जो अब तक कह रहे थे कि MSP पर कानून बनने तक धरना जारी रहेगा, उन्होंने अब अपने रुख में बदलाव किया है, वो कह रहे हैं कि कमेटी पर कोई कमेंट नहीं करेंगे और कमेटी जो है फिलहाल सरकार से बातचीत करके MSP को लेकर के कमेटी बनाने पर बात करेगी। यानी साफ है कि राकेश टिकैत जो कहते थे कि कानून बनने तक धरना जारी रहेगा, अब कहीं ना कहीं उनके रुख में भी बदलाव आया है, क्योंकि संयुक्त किसान मोर्चा ने तय किया है कि 5 लोगों की कमेटी सरकार से बात करेगी तमाम विषयों पर और सहमति बनाने के बाद, समाधान बनाने के बाद
बाद धरना खत्म होने का ऐलान किया जाएगा। लेकिन अगर सहमति नहीं बनी तो जाहिर है धरना भी जारी रहेगा। लेकिन उम्मीद यही है कि सहमति बन जाएगी। तो देखिए कमेटी बना दी गई है और राकेश टिकैत कह रहे थे कि समाधान कमेटी से ही निकलेगा क्योंकि कमेटी अब सरकार से बातचीत करेगी। आगे क्या होना है फिलहाल अभी भी देखिए एक सस्पेंस बना हुआ है। बहरहाल वक्त इतना ही था। आप सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।